नमस्कार दोस्तों, आज प्रध्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारी का सोहिना, जिसे कहीं कहीं करमुआ भी कहते हैं। तो आज मैं उसका सोहिना बनाने जा रही हूँ, और इंग्लिश में सोहिना को कटलेट भी कहते हैं। तो मैं आज इसे बनाती हूँ। इसे मैं पहले काट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए, हमारा करमुआ कट के रेडी है। और इसके पहले मैंने यहाँ रख दिया है पानी उबलने के लिए। ये देखिए, मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसे मैं स्टीम करके बनाऊंगी। तो पानी हमारा तब तक उबल जाएगा, तब तक हम इधर देखते हैं। ये देखिए, इसमें मैं ये हरी धनिया डाल दे रही हूँ। हमारा 250 ग्राम ये था नारी का पत्ता, 250 ग्राम वो हो गया और धनिया हो गई। इसमें मैं बेसन डालूँगी, ये देखिए हमारा 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, इसमें मैं ये बेसन डाल दूँगी। और इसी में मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये मैं इतना हींग डाल दूँगी, और इतनी मैं अजवाइन डाल दूँगी, 1/2 चम्मच है। अब इसको मैं यहाँ मैंने ये अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया हुआ है, इसको मैं इसी में ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको मैं इस तरह से ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए, अब इसमें मैं ये धनिया पाउडर डाल लूँगी 1 चम्मच, और थोड़ी सी 1/2 चम्मच हल्दी डाल लूँगी। अब इसे मैं इस तरह से गूँथ लूँगी अच्छे से, ऐसे। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पत्ता है तो पत्ते में पानी रहता ही है। इसको क्योंकि मैंने धुला है और इसमें ऑलरेडी पानी है, तो हम पानी नहीं यूज करेंगे। इस तरह से हम गूँथ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने गूँथ के तैयार कर लिया है। अब इधर हमारा ये पानी जो है, पानी भी हमारा उबल गया है। अब इसमें मैं ये देखिए, ये रख दूँगी धन्नी, और इसमें इसको मैं हाथ में इस तरह से लेके, आप पानी भी हल्का सा लगा सकते हैं अगर बनता नहीं है तो, लेकिन ये बन रहा है। ये देखिए, इस तरह से लेके हम इस तरह से इसको ऐसे बना लेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से हाथों में ये पानी लगाएंगे हल्का सा, ये देखिए इस तरह से, और इसको ऐसे लेंगे। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से आराम से बन जा रहा है। तो हम इसको इसी तरह से बना लेंगे और को ऐसे रख लेंगे। फिर दूसरा भी हम इसी तरह से लेंगे, और इसको भी हम इस पर इस तरह से बना लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे। हमारा भाप जो है, इधर उधर से निकलना नहीं चाहिए, हमको इसे एकदम अच्छे से ढकना है। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से ढका गया है, हमारी भाप निकलनी नहीं चाहिए। हमने ये देखिए दूसरा कढ़ाई में बना रहे हैं, ये कढ़ाई में भी हमारा पानी उबल रहा है, और कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब स्टैंड के ऊपर मैं एक रखूँगी, ये जालीदार प्लेट है। इसके बाद उसी तरह से, उसी स्टेप में मैं इसको इस पर भी इसको इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, और इसको स्टीम कर देंगे। ये देखिए, इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा और है, इसको 2 मिनट के लिए हम और रखेंगे। इसको चेक कर लेते हैं हम, ये भी हमारा थोड़ा अभी जो है कच्चा है, तो हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तब तक लिए हम ढक देते हैं। अगर चाकू जब हमारा क्लीन निकलेगा तो समझ लीजिए हमारा ये बन के रेडी है। ये देखिए एकदम हमारा चाकू क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ये हमारा पक गया है। तो इसको गैस को मैं ऑफ करूँगी, और इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा ये ठंडा हो गया है। अब इसे मैं पीसेज में कट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे पीस में कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पीस में काट ली हूँ। और अब मैंने ये पैन रख दिया गरम होने के लिए, इसमें मैं तेल डालूँगी इसको फ्राई करने के लिए, ये तेल थोड़ा हमारा हीट हो जाए। हमारा तेल हीट हो गया है, इसको मैं
इस तरह से एकदम स्लो फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ इस तरह से, हमारा देखिए ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, तो नीचे से भी ये सिक रहा है, ये देखिए। तो ये थोड़ा नीचे से सिक जाए तो मैं इसे जो है पलटती हूँ, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए ये हमारा देखिए नीचे से सिक गया है, अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से, और पलट पलट के इसे दोनों तरफ हम फ्राई करेंगे इसको हम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिए और आपको यकीन पसंद आएगा ये रेसिपी मेरी। तो इस तरह की रेसिपी आप देखते रहिए, और अगर इस चैनल को प्रध्या की रसोई को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो है अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो को वॉच करते रहिए, ताकि आप इसे जो है अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। इसमें मैंने एक प्याज यूज किया है, 3 मिर्च हरी मिर्च और 5-6 कली लहसुन यूज किया है, और वही जो मैंने दिखाया सारे मसाले ऐड करके ही मैंने इसको बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हर चीज़ की नहीं है, मसाले भी कम हैं, अजवाइन डाला है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसको इस तरह से फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारा कटलेट सेक के एकदम रेडी है, गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी।